बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय एवरीवन, सब लोग कैसे हैं? तो कैसी है मेरी प्यारी सी पूरी यूट्यूब फैमिली? तो ये मैंने पूरा किचन साफ कर दिया था और ये ज़मीन भी धो दी थी पूरी, आज साफ कुछ कर दिया था, सब कुछ साफ कर दिया था। ठीक है जी, आज आपको अपना सूट दिखाने के लिए लाई हूँ और थोड़ा सा आपसे मजाक किया है। वो मजाक ऐसा है कि आप सीरियस मत हो जाइएगा उस मजाक में, थोड़ा सा आपको खुश करने के लिए मजाक किया है। क्योंकि इसलिए मजाक किया है कि मेरे पापा नहीं थे तो यहाँ पे कितने सारे लोग हैं जो मेरे अब्बू बन गए, मुझे प्यार दिया और बेटी समझ के, और एक बहन के लिए तरसती थी, यहाँ कितनी सारी बहनें मिल गई मुझे इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मेरा भी फ़र्ज होता है मैं अपनी फैमिली से मजाक करूँ। तो वो जो थोड़ा सा पैसों के मामले में वहाँ रख के मजाक कर रही हूँ, वो सिर्फ आपको हंसाने के लिए किया है, क्योंकि मैं ऐसी बातें करती हूँ बैठकर। तो मैंने कहा आज मेरा दिल चाहा कि मैं ये वही बातें डाल दूं। अच्छा, वो पेमेंट जो है जब आई थी, तो जबकि वीडियो है, ठीक है जी, मेरी पेमेंट जब आई थी तो मैं डालना चाह रही थी, ये क्लिप मेरे पास पड़ा हुआ था, मैंने कहा आज डाल देती हूँ। ठीक है, तो मैंने कहा चलो आप लोग खुश हो जाएंगे, आप लोग को अच्छी लगती है मेरी ऐसी बातें करना, मुझे इतना अच्छा लगता है यहाँ मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली मिल गई, मेरे पापा नहीं थे यहाँ पे, कितने लोग मेरे अब्बू बन गए, मुझे प्यार दिया, बेटी बेटी कहा, और कितनी बहनें हैं जो मुझे अपनी बहन समझती हैं, मुझे चाहती हैं, कहती हैं आपकी बातें अच्छी लगती हैं, हम अपने घर को आपकी तरह मैनेज करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है आपका कपल, सारी बातें बताया करें, सारी सब कुछ बताया करें, हम भी अपने मियाओं के साथ इसी तरह रोमांटिक होते हैं, इसी तरह बातें करते हैं, हमें आपका लिविंग स्टैंडर्ड, आपकी बातें, आपका स्टाइल बहुत अच्छा लगता है, हम लोग रातों में घर में आपकी बातें करते रहते हैं, हंसते रहते हैं, इतना मजा आता है आपका व्लॉग देखकर, मुझे ये इतना अच्छा लगा। आपने मेरा दिल खुश किया, अल्लाह आपका दिल खुश करे, आपको कभी भी कोई बीमारी ना हो, आप लोग हमेशा शिफाए कामला आता हो, अगर कोई बीमारी भी है आपको तो खत्म हो जाए, और आप लोग हमेशा खुश रहें, शादो आबाद रहें, खूब फूले फले, नाचे गाएं, शोर मचाएं, ठीक है जी, और खुशियों में रहें, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, ये मैं अफ्तारी की तैयारी कर रही थी, जो क्लिप लिए थे आप लोगों के साथ डाल दिए, इस तरह से जल्दी जल्दी अफ्तारी बना ली थी, ठीक है जी, हाथ के हाथ सब कुछ धो के भी रखती जा रही थी और सब काम भी करती जा रही थी मैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ मजाक करना, क्योंकि मैं इतना मजाक किसी से करती नहीं हूँ, मैं इस चैनल पे इतना अच्छा लगता है मुझे आके, इतना खुश रहती हूँ मैं कि मुझे यहाँ इतने सब प्यार करने वाले मिलते हैं, कोई भी बात हो जाती है तो सब इतने प्यार से पेश आते हैं, कोई भी कुछ भी कहती हूँ तो सब इंस्टाग्राम पे आके इतना समझाते हैं, इतना प्यार से बात करते हैं, ऐसा मत करो, दिल छोटा मत करो, खुश रहो तुम, हमें तुम्हें खुश देखना पसंद है, इतना अच्छा लगता है। फिर मुझे बहुत पसंद आया है सब, बहुत सी बातें ऐसी हैं जो मैं कर नहीं सकती यहाँ पे, आप लोग कितना मुझे प्यार देते हैं, कितना आप लोगों ने मुझे चाहा है, आप लोगों ने मुझ गरीब को इतना प्यार दिया, मैं प्यार को तरस गई थी, मुझे आप लोगों ने प्यार दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। अल्लाह आप लोगों के नसीब अच्छे करे और आप लोगों के बच्चे जिए, खूब सलामत रहे आपके बच्चे, ठीक है जी। अच्छा, ये फ्रूट चाट भी बना ली थी, जो जो काम करती जा रही थी वो रखती जा रही थी, अब ये इफ्तार टाइम हो रहा है हमारा, ठीक है जी। अब आगे से आपको दिखाती हूँ क्या किया क्या नहीं किया, सब छोटे छोटे क्लिप फिल्माती रहती हूँ, लेती रहती हूँ, तो यही सब होता रहता है। अच्छा, इसके साथ मैं खाना भी पका लेती हूँ, अब जाऊंगी डोंगा धोंगी, जो जिसमें ये दही बना के रखा था, ये देखें सालन बना लिया। अच्छा, इसमें मैंने काले वाले छोले बनाए थे ना, इसमें तो काला रंग आ गया, देखें यहाँ पे इसमें पतीली में रंग छोड़ दिया काले वाले छोलों ने, ठीक है जी। और मैंने इसके साथ चावल बना लिए, यानी आलू गोश्त और चावल, ठीक है जी। अब ये यहाँ गई हूँ, ये हाथ के हाथ ये भी धो दिया, ताकि मुझे कोई वो ना हो कि पड़ा रहता है ना बर्तन, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता, वो मुझे अजीब सा लगता है कि अब काम बढ़ गया है, बस इसको हाथ के हाथ कर लो ना तो किचन भी साफ रहता है। अभी मैंने किचन पूरा धोया था, साफ किया था, तो हाथ के हाथ ही निपटाती रहती हूँ सारे काम, तो मुझे अच्छा लगता है। मुझे उम्मीद है आप लोग भी इसी तरह काम करते होंगे, बहुत मोहब्बत के साथ, बहुत प्यार से सब कुछ बातें करती हूँ आपके साथ। तो मैंने पहले ही बता दिया मेरी इनकम आई थी, तो मैंने शॉपिंग में जाने से पहले मैं खुश हो रही थी, तो वो सीन फिल्मा लिया था आपके साथ, तो मैंने वो बता दिया आपके साथ, वो मजाक है एक तरह का, ठीक है। मैंने आपके साथ फिल्माया कि आप लोग हंस दें थोड़ा सा, ये आलू गोश्त बनाया, ठीक है जी, और चावल। अर्निंग बन गई सट्टे के, जो है कि आपने कितना पैसा लगाना सट्टे में, मैंने तो जी सट्टे में इतना लगाया था, मैं जाके मैंने सट्टे में लगा दिया था पैसा, आप सट्टा जीत के आई हूँ मैं, अब मैं अपने आप में पैसा लगाऊंगी, इसके बदले मैं पैसा लगाऊंगी आपको, अगर शॉर्ट आउट मुझसे चाहिए तो आप आ जाए, मैंने शॉर्ट आउट करना है और आपको अर्निंग का मौका देना है, क्योंकि सब मिलजुल के काम करें ना, यही अच्छा होता है। देखें जी, मेरी इतनी अर्निंग बन गई है, अब की अर्निंग मेरी ये बनी है, मैंने तो अर्निंग दिखानी नहीं थी आपको, मगर लर्निंग हो जाएगी आपको, तो मैंने कहा अर्निंग दिखा दो अपनी। तो बस इतने से ही पैसे बने आपकी, तो चलो ना बस।
अच्छा जी, ये मेरा ईद का सूट है। ठीक है जी, ये पहले दिन का ईद का सूट है। अभी नहाने वाला सूट बाकी है, वो मैंने नहीं डाला। नहाऊंगी और माशाल्लाह वो पहनूंगी सूट। माशाल्लाह ब्लू कलर का वो सूट है, वो उसके ऊपर भी काम है और ट्राउज़र पे भी उसके काम बना हुआ है, तो वो भी देखिएगा। अच्छा लगे तो आगे बहुत सारे अच्छे अच्छे व्लॉग आने वाले हैं, वो भी आप सब्सक्राइब करें, चैनल को देखें। और बहुत अच्छा लगता है मुझे, आप लोग प्यार देते हैं। अच्छा, ये मेरा छोटा सा मजाक था जो मैंने इनकम पे रख के किया था आप लोगों के संग। मुझे उम्मीद पसंद आया होगा मेरा ये छोटा सा मजाक। हंसी आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मुझे इससे पता चलता है, मुझे हौसला अफजाई होती है छोटी सी कि इस तरह के व्लॉग आप लोग देखना पसंद करते हैं बहुत प्यार से। अच्छा, ये सामने का फ्रंट है इसका, वो बैक साइड का था, बैक साइड से भी दिखाया। ये इसका दुपट्टा है, इसके नीचे ट्राउजर है लाल कलर का, ठीक है जी। और ये इस तरह का है, ठीक है जी। सूट की कीमत नहीं बताती, लेकिन इतना तो पता चल रहा होगा ये कितने का सूट होगा आपको। माशाल्लाह सब साहिब अकल हैं, साहिब हैसियत लोग मुझे देख रहे हैं, बड़े बड़े माशाल्लाह बड़े बड़े लोग देख रहे हैं, असर रसूख वाले लोग माशाल्लाह देख रहे हैं, मुझे भी पता है माशाल्लाह बहुत से लोग देख रहे हैं। ठीक है जी, सबको सबकी कीमत का अंदाज़ा होता है ये किस कीमत का सूट है। अपनी कीमत बता के कभी भी अपने आप को छोटा मजाक किया करें, कीमत नहीं बताया करें सूटों की, अच्छा नहीं लगता है। ये अल्लाह की तरफ से हमको देन होती है, बस इसकी कीमतें ना बताया करें, अच्छा नहीं लगता। ठीक है जी, जिसको जो खरीदना होगा वो जाएगा इंशाल्लाह ताला मार्केट से ले लेगा और आपसे अच्छा सूट लेगा, कोई बात नहीं होती। कीमत ना बताया करें, अच्छा नहीं लगता। ये ऐसा लगता है आपने रख के किसी को चपेड़ मारा है कीमत का, नहीं नहीं कीमत नहीं बताया करें, बस अल्लाह सबको नसीब करे पहनना, आमीन।